भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों को कोरोना वायरस ने अपनी जद में ले लिया था। अभी तक 10.43 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 22.68 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले इसकी रफ्तार जरूर कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,90,183 हो गई है। पिछले 24 घंटों में बुधवार सुबह 8 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 8 बजे तक कोरोना के 12,899 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 17,824 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 107 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,04,80,455 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,54,703 लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 2 लाख से नीचे है। इस समय देश में 1,55,025 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 97.13% पर पहुंच गया है। यह अब तक सबसे ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट 1.44%, डेथ रेट 1.43% है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।